हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ गर्भावस्था के 9वें महीने के दौरान बच्चे का कितना विकास होता है और उसका आकार कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना शुरू करूँ, आप मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी का 9 महीने का सफर अब पूरा हुआ, बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका है। जल्द ही वह प्रेगनेंसी का 9वां महीना, मतलब आप अपनी ड्यू डेट के करीब हैं। 9 महीने की लंबी यह यात्रा पूरी करने के लिए आपको बधाई हो। अब तक आपके बच्चे का शारीरिक विकास पूरी तरह से हो चुका है। इस समय बच्चे का आकार, आपका बच्चा लगभग 20 इंच की लंबाई पा चुका है, वजन करीब 3.5 किलो होगा। वैसे 2.5 किलो से 4 किलो तक वजन सामान्य माना जाता है। कहा जाता है कि उसका आकार अब एक मझोले तरबूज जितना है। इस समय बच्चे के जन्म से पहले डॉक्टर इस बात को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा तय समय से पहले पैदा ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे आखिर तक फेफड़ों का विकास होता है। आपके पेट से बाहर आकर सबसे पहली सांस वह इन्हीं फेफड़ों के सहारे तो लेगा। बहरहाल इस समय तक उसके फेफड़े पूरे विकसित हो चुके हैं। आखिरी महीने में बच्चे के शरीर में फैट जमा हो रहा है, खासकर उसके घुटने, कोहनियां और कंधे के आसपास। लेकिन उसके शरीर पर चढ़ी हुई वसा की परत, जिसे वर्निक्स भी कहते हैं, वह लगभग गायब हो चुकी है। इसी समय वह जन्म लेने की पोजीशन में आ रहा है, इसे फीटल पोजीशन कहते हैं। इसमें बच्चा अपने पैर सिकोड़कर घुटने नाक से लगा लेता है, सर को झुकाकर उसे बाहों से घेर लेता है। बच्चे की सिर की हड्डियां कोमल है, इससे जन्म लेने में आसानी होती है। अगर बच्चे ने अभी तक वह पोजीशन नहीं लिया है, तो शायद डॉक्टर आपसे नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहेंगे। इस समय बच्चा आपके पेल्विस से नीचे की ओर खिसकता है, इससे पेट का उभार आपके सीने की जगह नीचे खिसक जाता है। अब आप बच्चे के जन्म के संकेतों का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु का विकास होता है, उसके अंगों की डेवलपमेंट होती है, फेफड़ों का विकास होता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में आपकी कोई सलाह है या सुझाव है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।